गुड मॉर्निंग गाइस, और एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। और 10:30 बज चुका है और नहा धो के आ गया हूँ मैं। आकाश भैया भी आ गए और नाश्ते का टाइम हो गया, तो मैंने पराठा बनवा लिया था, प्याज के पराठे ताकि थे, तो बस करके निकलेंगे आकाश भैया के यहाँ। थोड़ा वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे, एडिटिंग कर ली थी मैंने रात में, तो वीडियो अपलोड करने के लिए वहाँ पर वाईफाई लगा है तो वहाँ जाना पड़ेगा। ये बैठे हुए आकाश भैया आज थोड़े गुमसुम से हैं, इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, बुखार आ रहा है इनका। 8-10 दिन में मुझे लगता है बुखार वाला प्रॉब्लम होता रहता है। देखते हैं, सीज़न चेंज हो रहा है, थोड़ा चेक कराते हैं, वायरल वगैरह तो नहीं है, होप ऐसा कुछ ना हो। पर खाना खा के जल्दी से निकलते हैं अपन, मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो देखते हैं क्या करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है आकाश भैया एक बार अड्डे जाएंगे और चाय पियेंगे तो इनका बुखार एकदम फिट हो जाएगा। क्यों भैया, क्या अड्डे तो जाएंगे, थोड़ा सा दवा खिला के ले जाता हूँ इनको मैं अभी, पूरा पर्सनली पूरा चेकअप करता हूँ इनका। प्याज का पराठा और सॉस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो खा रहे हैं अपन। तो निकल लिए हम घर से बाहर, और आजकल मौसम की खास बात है भाई, मौसम बहुत सही चल रहा है। ठीक है, नाश्ता वाश्ता कर लिया, पेट भर गया, मौसम इतना सही चल रहा है कि बाहर निकलने का मन होता है। और ये गले में आईफोन का चार्जर टांग लिया है, क्योंकि फ़ोन तो हर जगह दिखा नहीं सकते कि आईफोन है, तो चार्जर ही ऐसे दिखाते रहते हैं कि लोगों के पास आईफोन। आदमी फोन से पहचान लेगा, चार्जर से नहीं पहचानेगा कि आईफोन। अच्छा ऐसा है, तो फ़ोन गले में टांग लो क्या? तो भाई ऐसा है कि इनकी तबीयत ख़राब है तो मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन सही हो जाएगा जल्दी से। ऑडियंस को भी तो ऐसे कुछ दिखाना है। बुखार नहीं भैया, वो इश्क का बुखार है। भाभी के जाने पर इनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो प्यार देखो, भाभी से बात करते हुए रास्ते में। हमारे घर के जस्ट पीछे थोड़ी दूर पे रेलवे ट्रैक बना हुआ है, और यहाँ से ट्रेन जाती है, मालगाड़ी होती है। अभी मालगाड़ी वाला ट्रैक है, वो जगह है जहाँ पे हम पहले क्रिकेट खेलते थे, थोड़ा ही दूर है। ये तालाब है, तो ऐसा सीन है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी फोटो खिंचाई है। अगर आप मेरी फेसबुक की फ़ोटो देखोगे तो यहाँ के बहुत सारे पोस्ट रहते थे, खड़ा होकर के यहीं पे DSLR से फ़ोटो खिंचाता था। बट अभी यहाँ से ट्रेन चलने लगी है तो अपन भी नीचे उतरते हैं, बहुत ऊपर है यार, थक जाता हूँ। भैया। हाँ बेटा। पापा, और ये कौन है? चाचू। तो आज आपको मिलाते हैं आकाश भैया की भैंसू से, वो है, उसका नाम है भैंसू जी और इसका नाम है कल्लो ना भैया, छोटी अली का नाम कल्लो और उसका नाम है भैंसू जी, जिसकी आकाश भैया हर दिन सेवा करते हैं और वो अभी शिवानी कर रही है। तो अभी हम और आकाश भैया निकल रहे हैं अड्डे, मतलब यहाँ फतेहपुर में है तो अड्डे डेली जाना ही है, और दिन में अराउंड हमारी 10 कप चाय हो जाती है। एक बार में तो 3-4 हम लोग निपटा ही देते हैं, इतनी सही चाय बनाते हैं ये आकाश भैया। इनकी सुबह तबीयत खराब थी, अब देखो एकदम अड्डे के नाम से भाई क्या है ऐसा, अड्डे में क्या है, मजा आ जाती है। क्या मजा आती है आपको, चलिए वही बताते हैं, कुछ राज है अभी वहाँ पता करते हैं अपन। ठीक है, तो निकलते हैं यहाँ से। तो भाई घर से थोड़ा ही दूर निकले थे तो रास्ते में हम लोगों ने देखा कि एक चौराहे पे भंडारा लगा हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है, हमारा और आकाश भैया दोनों का, कि भंडारा लगा तो भंडारे का खाना जरूर खाना चाहिए, और भंडारे की पूरी और सब्जी सबसे टेस्टी पूरी और सब्जी लगती है मुझे, चाहे घर में जितनी अच्छी बने हो लेकिन वहाँ की अलग लगती है। तो हम जा रहे हैं खाने और मस्त देखते हैं, भीड़ थोड़ी लगी है पर अपन मैनेज कर लेंगे, खा के आते हैं। ये लगा हुआ है भंडारा, भाई झंडे वंडे फहर रहे हैं। आकाश भैया कहाँ है अपने? ये मैंने अपने भंडारे वाला खाना और इसको अपन जा रहे हैं चालू करने। स्वादिष्ट लग रहा है एकदम, मस्त मज़ा आ गया खा के फिर चलते हैं चाय पीने। तो अपना नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया, इतने दोपहर हो गई थी, लौटा नशा हमारे हाथों में आ ही गया आखिरकार, और जिस वजह से इनकी तबीयत खराब थी अभी तबीयत भी सही हो जाएगी। हम लोग बहुत बड़े नशेड़े हैं, इसका नशा करते हैं। अभी हम बैठे थे तो आकाश भैया बोले कि हर्ष अगर तुम फेमस हो गए तो तुम्हें तो पिक्चर वाली वीडियो मिलने लगेंगी। तो मैंने कहा भैया आप तो क्या बोले भैया आप, फिर भाई मुझे तो मेरा पेट आप देख रहे हैं और मेरी फिटनेस को तो आप लोग कायल ही हैं, तो उसमें दो ही जगह मुझे काम मिल सकता है, या साउथ में कॉमेडी करने का या तो भोजपुरी में। अन्ना खा ले तू मेरा, आगे नहीं बोलूँगा। पेट कैसे भैया, पेट बेली डांस मैं भी कर सकता हूँ, लोग बुला ले बस मुझे देख के कहीं से। भैया ये बताओ आप डेली व्लॉगिंग की क्या बेली व्लॉगिंग करा करो। तो अभी अपन ने चाय वाय पी ली है और अभी जस्ट शिवांशु का फ़ोन आया था, मेरा एक फ्रेंड है फतेहपुर का, हम लोग एट नाइन्थ क्लास में साथ पढ़ते थे महर्षि में, तो काफ़ी दिनों बाद फ़ोन आया। तो उसका एक नई शॉप खुली हुई है, कपड़ों की खुली हुई स्टोर है कोई, तो अभी मैंने देखा नहीं है, बट उसका मैसेज आया था कि ऐसा ऐसा शॉप का इनॉग्रेशन है। फिर उसका अभी फ़ोन आया कि मिले भी नहीं बहुत दिनों से, मिलते हैं, तो वहीं जा रहा हूँ, यहीं पे पास में ही अड्डे अपना, तो निकलते हैं और पहुँच के दिखाते हैं आपको कैसा स्टोर है, क्या है। अपने भाई का स्टोर अभी नया खुला है, खतरनाक स्टोर लग रहा है एकदम, चलते हैं अंदर, वो खड़ा हुआ है। ये आ रहा है अपना शिवांशु भाई। अबे भाई दुनिया बदल गई, तू अभी वैसा ही है, कोविड हो गया क्या? हाँ यार कोविड
क्या कर रहे हैं भैया? देखिए थंबनेल के लिए फोटो ले लो, पीछे अच्छी अच्छी टी शर्ट टंगी और खुद की हालत देखो बेचारे। ब्रांडेड है, पहले गंदी हो गई तो क्या करते हो? फिलहाल इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, अभी कल होना है इनॉग्रेशन। तो ऐसा है कि ये अभी अरविंद करके शोरूम है और फ्रेंचाइजी है, और उसके अंदर बहुत सारी कंपनी आती है। इसके अंदर जैसे आती है कौन कौन सी? US पोलो, टॉमी इनफिगर और एरो फ्लाइंग मशीन। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा अभी सामान आ चुका है, बहुत सारा आना बाकी है। तो धीमे धीमे काम चल रहा है भाई, जब सेटअप हो जाएगा तो धीमे धीमे सारा सामान आता रहेगा। तो भैया आप अपने आकाश भैया को करवानी थी दाढ़ी वाड़ी सेट, और वो पीछे देखो मेरे कैसे भूतनी खड़ी हुई है वहाँ पे बैठी हुई है, और ये बैठे अपने आकाश भैया दाढ़ी वाड़ी सेट करा रहे हैं बस, एकदम स्मार्ट वन मैन को एकदम देख रहे हो। बहुत देर से उठा रहा हूँ, उठ नहीं रही है, और तब से प्यार से बोल रहा हूँ उठ जा उठ जा। नहीं सुनो भैया, आपने बहुत गलत किया मेरी मम्मी के साथ। मैंने कुछ नहीं किया भैया, ऐसे 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 प्रैंक करा जाता है। मैंने कुछ नहीं किया भैया। अच्छा भैया, मैं ये आपसे पूछ रहा था कि जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? देखो मैं पतंजलि का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो वो दंत कांति जो मतलब टूथपेस्ट आता है। अरे यार एक मिनट यार, मुझसे अभी मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहूंगा। अरे ये वीडियो में आ जाएगा ना तो फिर आपको नहीं, मतलब सबूत नहीं दूंगा देखो मैं किसी को। ठीक है, मेरे हो जाएंगे 1K तो तुम मुझसे क्या लोगी? तो हम देवे नहीं नहीं यही बोला तुमने, थोड़ी कर रहा है तुम क्या दोगे मुझे? हाँ अब रहने दो, हो गया, हो गया। तुमको अच्छा देना नहीं, यही मिलेगा तुमको बाबा जी का ठुल्लू। 1K में हीरा चाहिए रे यार। क्या चाहिए 1K में? तुमने 1 बिलियन बोला, मैं अपना बोला है 1K बोला। 1K में, 1K में कुछ भी दे देना। कुछ भी क्या दे देना? ठुल्लू मत देना, लेकिन ठुल्लू उनकी बस में। अरे क्या हो गया भैया? कोरोना हो गया। अरे ठीक है भैया चलते हैं, ये रास्ता इस तरफ। अभी अभी मम्मी के साथ मैंने प्रैंक कर दिया। प्रैंक मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अब छोड़ो यार, गाली दे रही है मन में। मम्मी कैसा लग रहा है? अरे दे रहे हैं, हर्ष को दे रहे हैं, दे रहे हैं। अरे हमसे ही बात कर लिया करिए थोड़ा। अरे 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 कंपनी वाला था, कंपनी का काम बता रहे हैं। ठीक यार, उम्मीद लगा लिए थे कि किसी बिटिया का फोन आ गया क्या? पापा सुबह फोन उठाए, फोन रखा था सुबह भाई, फोन रखा था, किसी आया होगा कंपनी वाली कुरियर वाली का, तो पापा कह रहे हैं हाँ हेलो, मेरा फोन उठा के, तो मैं सुन रहा हूँ मेरी कह रही है कौन बोल रही है आप, मेरी नींद खुल रही है एकदम, कह रहे हैं किसका फोन है लाई मुझे दीजिए, तो दे नहीं रहे, कह रहे हैं की हाँ, मैं हर्ष का फादर बोल रहा हूँ। क्या पिज्जा इधर नहीं अच्छा लगता खाने में? पुलिस आने वाले समोसे खाए भैया? अरे तो गाड़ी से कितनी देर तक नहीं करता भैया, चले गए लिया रक्षा बंधन के लिए। आपने कुछ नहीं दिया मुझे, घड़ी मिल तो गई है। अरे तो आप ही नहीं दिया, मैंने पैसे 500 दिए थे उसमें, 500 नहीं 51 रुपए दिए थे प्लीज भैया ले आइए समोसे, चलो लिया। इतनी मिन्नत है, 3 दिन के लिए दुकान। तुम एक काम करो, तुम ये बोलो, तुम ये कह दो जितने बढ़वाए 20-25 सब्सक्राइबर अभी शाम तक, एक दो नमूना दिखा दो इनको जरा सब्सक्राइबर कम करवा के। चलो भैया चलने, अब ये तो करियर की बात आ गई अब तो। यार जोमेटो में मजा नहीं आएगा भैया। साक्षी एक बात बताओ, ये भैया जो टी शर्ट मैंने कितने दिन से तुम देख रही हो? यार टी शर्ट का हाल देखो, यार एक तुम्हारी पिंक टी शर्ट, मैं लोगों को अपना स्ट्रगल दिखाना चाहता हूँ। नहीं मम्मी कसम से, इन दोनों की पिंक टी शर्ट देखे थे जी अगा गया, एक इसके घिनाई की जब देखो हमें खुद में भी वही ब्लॉग में वही पिंक टी शर्ट। बर्गर मंगाया गया, बर्गर मंगाया गया, आपका शरीर बर्गर क्या शरीर बर्गर चाहिए कौन चीज की? बर्गर नहीं थी, इनके लिए नहीं बनी है। क्या मेमोज भैया, आपने कभी मेमोज खाया है? नहीं मैंने खाया। क्या मम्मी का मुंह कैसे? टी शर्ट है ना तो भर लेंगे, ताला लगा देंगे, धूप से रहना बेटा। मम्मी आपका मुंह कैसे बनता है? कैसे एक वो बनाओ वो
भैया आप एक बार एक बार एक बार ऐसे कर मम्मी आप एक बार मम्मी एक बार उसके बाद भी कुछ कर फिर से करो मम्मी गर्दन ना टेढ़ी हो जाए अरे बाप रे रहन दो साक्षी तुम करो साक्षी तुम करो तुम्हें कसम है प्लीज अरे सबसे करवाया तुम करो मैं नहीं कर रही हूँ आप करो भैया फिर से बैठ जाएगा अरे माँ कसम टोमेटो डिस्कस करने के बाद गरीब लोग गरीब खाना इतनी आके टूट पड़ते हैं भैया भी खा रहे हैं मेरे ये गरीब नहीं है टोमेटो फिर क्या बोलेंगे क्षमा चो सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जल्दी से कर दो कितनी सारी मेहनत कर रहा हूँ और आपके प्यार की बहुत सारी जरूरत है तो जल्दी से जाके चैनल में ये लाल बटन को एकदम हिट कर दो फोड़ दो तोड़ दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।